यस वी आर लाइव नाउ. दिस इज शिवानी सिंह फ्रॉम एग्जामिनेशन. हम डिस्कस करेंगे 20 to 26 February 2023 की रिवीजन क्लास यहाँ पे होने वाली है. और आपके यहाँ पे जो है 60+ क्वेश्चन रहने वाले हैं. आई मीन 70 क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे. ओके 70 क्वेश्चन डेली करंट अफेयर से सिर्फ ओनली क्वेश्चन प्लस आंसर होंगे रिवीजन वाली क्लास में. ओके टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से. और ये जो है क्लास आपकी सुपर टेट बाकी एंड ऑल से भी क्लासेस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ओके तो आइए चलिए फिर अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मॉर्निंग कॉट हो जाएगी. जिंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम तो उठाना पड़ता है और सीढ़ियाँ चढ़ते समय ऊपर जाने के लिए नीचे की सीढ़ी से पैर हटाना पड़ता है. और आइए आप रेडी है ना, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आपका बिना टाइम वेस्ट किए. आइए फिर देखते हैं क्वेश्चन को. क्वेश्चन है कि सिर्फ ओनली रिवीजन क्लास है तो कोई भी डिस्कशन नहीं होगा, क्वेश्चन प्लस आंसर. ओके हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने FY 2023 से 2024 के लिए बजट पेश किया तो बजट की राशि कितनी है. मैंने आपको बताया था 6.90 करोड़ लाख, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाना है. आइए नेक्स्ट है, मणिपुर के 18वें राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली. तो अभी जो है अनुसुईया उइके ने. ओके तो यहाँ पे ये इसका ए ऑप्शन राइट हो जाना है. ठीक है आइए अब यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं. 3 February 2023 में किस राज्य की 12 बस्ती ने स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव के लिए संकल्प किया. तो यहाँ पे नागालैंड ए ऑप्शन राइट हो जाना है. ठीक है आइए देखते हैं नेक्स्ट. कौन सा देश गल्फुड 2023 की मेजबानी कर रहा है, वो है UAE. ओके फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाना है. नेक्स्ट है 23 February 2023 को भू अर्थशास्त्र एशिया आर्थिक संवाद पर विदेश मंत्रालय का वार्षिक प्रमुख कार्यक्रम है ना, ये कब शुरू हुआ. तो ये कहाँ पर हुआ, पुणे में. कन्फ्यूजन नहीं होना, मैंने बता दिया ऊपर 23 February 2023 को लिखा हुआ है. आगे से आपके क्वेश्चन नहीं कटेंगे, ये क्वेश्चन ठीक है कट गया था टाइपिंग करते वक्त. नेक्स्ट है हाल ही में अफ्रीका महाद्वीप के किस देश में पनोफिलिस स्टीफेंसी घातक मलेरिया प्रजाति के संक्रमण की जानकारी प्राप्त हुई है. इसका राइट आंसर होगा ये है अफ्रीका महाद्वीप है ना, ये है यहाँ पर केन्या. ठीक है तो यहाँ पर जो है घातक स्टीफेंसी मलेरिया प्रजाति ठीक है ये प्राप्त हुई है. मैंने आपको अच्छे से बताया हुआ है इसके बारे में. संगम युग से संबंधित कलाकृतियों के प्रदर्शन के लिए किलादी साइट संग्रहालय की स्थापना कहाँ की जा रही है. तो यहाँ पे जो संगम युग से संबंधित है ठीक है, तो यहाँ पे संगम युग से संबंधित कलाकृतियों की जो यहाँ पे प्रदर्शन के लिए किलादी साइट संग्रहालय है इसकी स्थापना आपकी की जा रही है ना. तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, सो यहाँ पे तमिलनाडु राइट आंसर हो जा रहा है. ठीक है आइए नेक्स्ट है. हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री द्वारा किसके नाम पर मुंबई के चर्चगेट रेलवे स्टेशन का नामकरण किया गया, वो है सीडी देशमुख. राजस्थान में लक्खी मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, ये होगा सीकर में. ओ सॉरी पता नहीं क्यों चल जाता है, एक मिनट. हाँ आइए देखते हैं अब यहाँ पे, हाँ इसका राइट आंसर हो जाना है लक्की और सॉरी सीकर. और फिर है कि नृत्यांगना कनक रेले जिनका हाल ही में निधन हुआ है, इनका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से था. मोहिनीअट्टम ठीक है ये एक लेडी है. और नेक्स्ट है किस राज्य में ताज महोत्सव का उद्घाटन किया गया. तो अभी जो है ताज महोत्सव का उद्घाटन वो किया गया है उत्तर प्रदेश में. ठीक है बी ऑप्शन राइट हो जाना है यहाँ पर. अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया. सो यहाँ पे डॉक्टर योगेंद्र उपाध्याय राइट हो जाना है. अब यहाँ पे नेक्स्ट है कि हाल ही में ऑकलैंड विश्वविद्यालय तथा किस भारतीय अस्पताल में कैंसर देखभाल के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं. इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाना है फोर्टिक मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट.
ओ सॉरी टाटा होगा, ठीक है, टाटा मेमोरियल अस्पताल। अब यहाँ पे नेक्स्ट है, क्षेत्रीय भाषा में फैसला प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट कौन बना? वो है केरल हाईकोर्ट। ओके, ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है, कहाँ पर भारत का पहला हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया गया? यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाना है आपका तमिलनाडु, ए ऑप्शन राइट होगा। अब नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश दुनिया के छठा सबसे बड़े इक्विटी बाजार के रूप में भारत से आगे निकल गया है? तो यहाँ पे ब्रिटेन होगा। ओके, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला शहर कौन सा बना? शिएटल, ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्सट, हाल ही में जारी सकल घरेलू जलवायु जोखिम रैंकिंग 2023 के भारत के कितने राज्य दुनिया की 50 सबसे अधिक जोखिम वाले राज्यों में शामिल किए गए? तो यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 9, ए ऑप्शन राइट होगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजीवन उपलब्धि पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो यहाँ पर होगा, ये पूर्व सांसद थे टी के रंगराजन। ओके, ये ऑप्शन राइट होगा। हाल में मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हुई एनएमडीसी स्टील लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? ये है छत्तीसगढ़ के बक्सर में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस ये कब मनाया गया? ये मनाया गया आपका कब? यहाँ पे होगा 21 फरवरी, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। हाल ही में उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ बनाया जाएगा? ये होगा हरियाणा में। ओके, हाल ही में दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया? RRR, बी ऑप्शन राइट होगा, है ना। और इसका आयोजन कहाँ होगा 2023 में? मुंबई में होगा। इसमें एक्टर कौन है? रणबीर कपूर। ये ब्रह्मास्त्र फिल्म के लिए। एक्ट्रेस कौन रही? आलिया भट्ट। ये गंगू भाई फिल्म के लिए। और फिल्म कौन सी है? कश्मीरी फाइल्स। इस फिल्म के लिए नहीं पुरस्कार दिया गया। इसमें डायरेक्टर थे अनिहोत्री। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार ये RRR को मिला है। और दादा साहब फाल्के अवार्ड 52वें नंबर का आशा पारेख को मिला था, है ना। ये सारी डिटेल्स मैंने आपको अच्छे से बताई हुई है। आइए देखते हैं यहाँ पे हम नेक्स्ट अपना क्वेश्चन। और नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल ओम प्रकाश कोहली का निधन हुआ? इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर गुजरात। और ये 87 ईयर के हो गए यहाँ पे, ठीक है, इनकी डेथ हो गई। हाल ही में पश्चिम और मध्य के लिए पहली पीएम गति शक्ति कार्यशाला का आयोजित कहाँ पर किया गया? तो गोवा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट है, भारतीय समूह वेंदाता किस अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के सहयोग से देश के पहले सेमीकंडक्टर प्लांट गुजरात में स्थापित करेगी? तो ये होगा फॉक्सकॉन। हाल ही में किस देश द्वारा मकाव इंदौर सुपर सिटी मेगा प्रोजेक्ट को स्थगित करने की घोषणा की गई है? यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाना है सऊदी अरब। नेक्स्ट है, यूनिसेफ इंडिया द्वारा हाल ही में किसे राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया गया? आयुष्मान खुराना, बी ऑप्शन राइट हो जाना है यहाँ पे। हाल ही में दुबई में आयोजित एशिया मिक्स टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में भारत ने पहली बार कौन सा पदक जीता? यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा कांस्य पदक। ओके, सी ऑप्शन राइट हो जाना है। I2U2 की पहली उप मंत्रालय बैठक का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो अबू धाबी। I2U2 इसमें इंडिया है और आपका इसराइल है, यू से USA और यू से UAE है। 21 फरवरी को यूनेस्को द्वारा किस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा बहुभाषीय शिक्षा, शिक्षा बदलने की आवश्यकता, ए राइट हो जाएगा। भारतीय थल सेना द्वारा उत्तराखंड में चौथा डिस्ट्रिक्ट द्विवर्षीय
सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास का आयोजन किस देश के सहयोग से किया गया? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा उज्बेकिस्तान। ए ऑप्शन राइट हो जाना है, ठीक है। आइए नेक्स्ट है। हाँ, नीति आयोग का नया सीईओ किसको बनाया गया? बीआर सुब्रमण्यन। किसके स्थान पर? परमेश्वर अय्यर के। उपाध्यक्ष कौन है यहाँ पे? इसके उपाध्यक्ष हैं यहाँ पे आपके सुमन बेरी, और अध्यक्ष कौन है? वो तो प्राइम मिनिस्टर है ना, मोदी। चलिए, 19 फरवरी 2023 को छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित शिव सृष्टि थीम पार्क का पुणे में किसके द्वारा उद्घाटन किया गया? यहाँ पे अमित शाह, ओके, ये गृह मंत्री भी है। और अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मध्य प्रदेश के खजुराहो नृत्य उत्सव के कौन से संस्करण का आयोजन किया जा रहा है? 49। सी ऑप्शन राइट हो जाना है। ISSF वर्ल्ड कप 2023 में किस देश ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम का गोल्ड जीता? तो मिक्सर टीम का गोल्ड किसने जीता? अपने भारत ने जीता है। ए ऑप्शन राइट होगा यहाँ पर, ठीक है। UPI ने किस देश के साथ मिलकर क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी लॉन्च की? सिंगापुर राइट होगा यहाँ पे। भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैसिलिटी किस राज्य में स्थापित की जा रही है? गुजरात। ए ऑप्शन राइट होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर जो है नेक्स्ट है, हाल ही में दिवंगत CDS विपिन रावत के सम्मान में किस देश के मंदिर में घंटी लगाई गई? श्रीलंका। और सॉरी, यहाँ पे नेपाल हो जाएगा, ठीक है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किस शहर में संक्रामक रोग और महामारी से लड़ने की तैयारी करने के लिए डॉक्टर साइरस पूनावाला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करने की घोषणा की है? हैदराबाद। हाल ही में मासिक धर्म की छुट्टी के लिए कानून पारित करने वाला यूरोप का पहला देश कौन सा बना? वो होगा स्पेन। अब नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय T20 महिला क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर बनने की उपलब्धि किसने प्राप्त की? यहाँ पर होगा दीप्ति शर्मा, बी राइट हो जाएगा। हाल ही में WHO द्वारा पहली बार किस देश में मार्बर्ग रोग के प्रकोप की पुष्टि की गई? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा इक्वेटोरियल गिनी, ओके, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य के द्वारा वित्त वर्ष 2023 में शिक्षा के लिए अपने बजट का सबसे अधिक हिस्सा आवंटित किया है? तो ये यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका असम, ओके, डी ऑप्शन राइट हो जाना है। और अब नेक्स्ट है कि हाल ही में सुफलाम जल अभियान के छठे चरण का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो गुजरात, इसका सी ऑप्शन राइट होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में दिवंगत हुए तुलसीदास बलराम का संबंध किस खेल से था? इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे फुटबॉल थे ये। हाल में पर्यटन मंत्रालय द्वारा कर्नाटक में कौन से तीर्थ स्थल को प्रसाद योजना के तहत शामिल किया गया? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा माँ चामुंडेश्वरी देवी मंदिर। RBI द्वारा आयोजित वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2023 की थीम क्या निर्धारित की गई? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका गुड फाइनेंशियल बिहेवियर योवर सेवियर, ओके, ए ऑप्शन राइट होगा। हाल ही में आर्थिक सहायक के लिए सिंगापुर सरकार द्वारा किस भारतीय राज्य के साथ पहली बार समझौता ज्ञापन किया गया? तो यहाँ पे होगा अपना उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट है कि हाल ही में केरल के अकबर
कम के हील पुरस्कार से सम्मानित समुद्रशिला उपन्यास के लेखक कौन है? तो यहाँ पे होगा सुभाष चंद्र बोस, बी ऑप्शन राइट हो जाना है। अब नेक्स्ट है, हाल में भारत के 22वें विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त 2024 तक बढ़ाया गया, इस आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये बने अभी आपके ऋतुराज अवस्थी। ठीक है, अब नेक्स्ट है, यहाँ पर हाल ही में जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला है आपका यूएसए का पहला शहर कौन सा है? तो एस्टल होगा, एयरटेल होगा। ठीक है, यहाँ पे जो ये है। आइए अब नेक्स्ट है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने डिब्रूगढ़ को नया टाइगर रिजर्व बनाने की सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की, यह किस राज्य में है? तो यहाँ पे जो है गुजरात, ए ऑप्शन राइट हो जाना है। अब नेक्स्ट है कि हाल ही में मोदी शॉपिंग आ ग्लोबल ऑर्डर इन फिल्म्स इस पुस्तक के, ठीक है, यहाँ पर लेखक कौन है, किसने लॉन्च की है? तो ये की है जेपी नड्डा ने, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा आपका। नेक्स्ट है, 76वें बाफ्टा पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो यहाँ पे ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, ये राइट होगा। हाल ही में रोज द्वारा अमेरिका के, यानी कि रूस होगा यहाँ पे, ठीक है, टाइमिंग से रूस के द्वारा अमेरिका के परमाणु हथियारों के नियंत्रण के लिए नाइन स्टार समझौते को स्थगित करने की घोषणा की गई है, समझौता कब लागू हुआ? तो ये आपका कब हुआ था? 5 फरवरी 2011 में। ठीक है, हाल ही में राजस्थान के कोटा में सुपोषित माँ अभियान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ओम बिरला, सी ऑप्शन राइट हो जाना है। हाल ही में भी जो है उत्तर प्रदेश में ताज महोत्सव 2023 की थीम, ठीक है, किसके साथ प्रारंभ की गई? विश्व बंधुत्व। हाल ही में किसको जिनेवा में आईएलओ के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया? तो यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन का राइट हो जाना है गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट है, G7 वित्त प्रमुखों की बैठक 2023 फरवरी को कहाँ हुई? तो यहाँ पर जो है अभी G7 वित्त प्रमुखों की बैठक 2023 में फरवरी में हुई है आपकी बेंगलुरु में, और G7 इसमें 7 देश है, इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। 7 देश कौन कौन से? ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूएसए। इसमें अपना भारत शामिल नहीं है, भारत इसका मेंबर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम क्वेश्चन सॉरी यहाँ पर ये आपको 60 क्वेश्चन कैसे लगे? और ये 60 क्वेश्चन जो है आपके यहाँ पे बहुत ही टॉप मोस्ट पॉपुलर आपके थे, और ये आपकी करंट अफेयर की रिवीजन क्लासेस थे। ठीक है, सो आइए अब देखते हैं यहाँ पे लास्ट में कि अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपके लिए यूजफुल है तो। ओके, और ये रिवीजन क्लास आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए फिर आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।